हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्योति आर्ट्स में। आज हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए जूते बना रहे हैं। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। मैं बहुत इजी तरीके से आपको सिखाने वाली हूँ, इसे घर पे इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट के साथ। मैंने बेबी बूटीज बनाने के लिए एक हैंकी लिया है। हैंकी का मेजरमेंट है 9.5 बाय 10 इंच। इसे मैंने ओवल शेप में ड्रॉ करके कट कर लिया है। इसकी लेंथ ली है मैंने 4.5 इंच, 4.5, और विड्थ है 2.5 इंच। इसकी लेंथ ली है मैंने 5.5 इंच। नीचे से मैंने लिया है 3 इंच, इसका सेंटर निकाल लिया है। यहाँ से मैंने लिया है 1.5, अंदर मैंने 0.25 इंच लिया है। इसे मैंने गोलाई देकर तैयार कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसे हम बीच में से कटिंग कर लेते हैं। इसे मैंने कटिंग कर लिया है। इसे हम फोम लगाकर क्विल्ट कर लेंगे। दोनों पीस हम क्विल्ट कर लेंगे। नीचे लाइनिंग क्लॉथ रखेंगे। दोनों बेस मैंने तैयार कर लिए हैं। इसे हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ से मैंने 3 इंच लिया था, यहाँ से मैंने इक्वल कर लिया है। यहाँ हम जोड़ देते हैं। पहले हम नाप लेंगे, ज़्यादा हो रहा हो तो हम यहाँ से एक स्टिच और लगा देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर हम एक सिलाई चला देंगे। अब ऊपर से हम दाब सिलाई देंगे। बेस का हम सेंटर निकालेंगे। दोनों साइड से मार्क कर लेना है। इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। इसे हम गोलाई में स्टिच कर लेते हैं। अब हमारा पार्ट बराबर बैठ रहा है। इसे हम गोलाई में सिलाई कर लेते हैं। इसे मैंने सिलाई कर लिया है, वैसा ही दूसरा पार्ट हम सिलाई कर लेते हैं।
इसे हम उल्टी कर लेते हैं। इसे हम रबर बैंड लगाएंगे, ऐसे वाले रबर बैंड दुकान में मिलते हैं। आपके जो भी आपके पास जो भी रबर बैंड है आप लगा सकते हैं। इसे हम साइड से मोटा कर लेंगे। बीच में हम काट लेते हैं। इसे पलटी कर लेते हैं। इसे हम सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर देते हैं। इसे हम चारों तरफ से स्टिच कर लेते हैं। वैसे ही दूसरा रबर बैंड दूसरे शूज में स्टिच कर लेते हैं। इसे हम पलटी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट जूते तैयार हो गए। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आज के बेबी शूज बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। तब तक के लिए गुड बाय।